हेलो, माय नेम इज श्रद्धा शुक्ला। आई क्वालिफाइड राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 एंड आई गॉट 15th रैंक। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। सो मैंने अपने 10th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि आई वुड गो फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड वुड परस्यू लॉ, बट मैं साइंस स्ट्रीम से थी और अच्छे मार्क्स आए थे मेरे 10th में, तो मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे थे। बट 12th आते आते मैंने उनको कन्विंस कर लिया दैट आई वुड परस्यू लॉ, बट वो थोड़ा सा स्केप्टिकल थे क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी लीगल बैकग्राउंड से नहीं था, किसी ने भी लॉ कभी परस्यू नहीं किया था। बट उन्होंने मेरे ड्रीम को समझा और मेरे साथ उन्होंने फिर मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। सो इन 2014 आई जॉइंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर BA LLB ऑनर्स एंड इन 2019 आई गॉट यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। एंड 2019 में मैं दिल्ली आई क्योंकि मुझे एक मेंटर और अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी फॉर माई प्रिपरेशन। सो मैंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा एंड इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट विच I gave my preliminary examination in November 2021 and my mains was in April 2022. So Rajasthan Judicial Services examination में 3 stages होती हैं। First is preliminary and second is mains, जिसमें आपके 4 exams होते हैं। एक होता है civil law का, दूसरा criminal law का, एक English essay का and then Hindi essay and third stage is interview. सो फॉर प्रिलिमिनरी मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने थॉरली बेयर एक्ट्स को रीड करा। मेरा मेन फोकस जो था वो बेयर एक्ट्स पे ही था। उस समय आपको नोट्स और अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट्स अदरवाइज चीज़ें पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बेयर एक्ट से ही आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन पहले ऐसा होता था कि कुछ इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस होता था कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने मेरे से हमारे प्री में उन्होंने IPC से ये भी पूछा कि क्वीन की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको थॉरली बेयर एक्ट को फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक पूरा रीड करना है। देन सेकेंड फॉर मेन्स मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जब एग्ज़ाम की डेट नहीं आई थी तो मेरा अप्रोच ये था कि जब कोई भी टॉपिक हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे तो मैं उसको पढ़ती थी, घर जाके हमारे एम्बिशन मटेरियल से मैं उसको रीड करती थी टॉपिक को एंड इसके बाद मैं PYQs लगाती थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पहले प्री के लगाइए उस टॉपिक के कि प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस के क्वेश्चन एक सिंगल की बुक आती है, उसमें क्या है कि आपको टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो जो थ्योरेटिकल होते हैं तो वो तो आप बना ही लेंगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे दिल्ली में क्या एक प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं लगाती थी। वो नहीं बनते थे तो मैं अपने फ्रेंड से शेयर किया करती थी और नहीं है तो फिर हम सर की हेल्प लिया करते थे। एंड फिर जब एग्ज़ाम्स की डेट आ गई तो जो मैंने नोट्स बना रखे थे, एक नोट्स मेकिंग पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपको नोट्स बनाने हैं तो आप एक नोट 2 कॉपी बनाइए, एक नोट्स बना लीजिए आप अपने कि उसमें माइनर पॉइंट सारे पॉइंट जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, तो फॉर एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ कि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, तो आप एक नोट्स फॉर्म में बनाइए और लेकिन एक आंसर राइटिंग की कॉपी ज़रूर बनाइए। आंसर राइटिंग इन द सेंस कि आप 2 से 3 पेजेस का एक आंसर लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो ये हमारा आंसर फ्रेम्ड है, और अगर कोई माइनर टॉपिक या कुछ और सब टॉपिक्स पे पूछ रहा है तो हम अपने नोट्स हमारे प्रिपेयर है। तो मेंस में मेरा जब एग्जाम्स की डेट आ गई तो यही स्ट्रैटेजी थी कि मैंने अपने नोट्स को पढ़ा, अगर टाइम नहीं बचा था मेरे पास तो फिर लास्ट टाइम में मैंने वो जो आंसर राइटिंग की थी उस वाली कॉपी को रेफर करा एंड उसको पढ़ा। एंड कुछ मैं ऐसे राइटिंग पे भी बताना चाहूँगी कि ऐसे राइटिंग के लिए हम भी होते थे कि हमें कोई बुक बता दीजिए, हम बुक से पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें, बट मैंने इस जर्नी में यही सीखा कि ऐसे राइटिंग अगर आप रटा रटाया लिख देंगे तो वहाँ पे आपके एग्जामिनर को पता है कि आप कहीं से रट के आ गए, आपने लिख दिया है। तो मेरा अप्रोच यही था कि मैंने जो भी नॉलेज गेन करी थी, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी या फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एजुकेशन आया था हमारे मैथ से, तो मैंने LLM ज्वाइन किया हुआ था तो हमारा ऑनलाइन चला था 2 सेमेस्टर, तो वो मुझे एक्सपीरियंस था कि हाँ क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीज़ लिखेंगे वहाँ पे एसे में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अपना ओपिनियन वो आपका जानना चाह रहा है, ना कि रटा रटाया कि उन्होंने ये कह दिया ये हुआ, वो आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड हिंदी का एसे, हिंदी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ी मेरी हिंदी वीक थी तो मैंने उस पर थोड़ा कम वर्क किया। तो ये है कि आप पहले अपने आप को जानिए, द बेसिक पॉइंट इज़ नो योरसेल्फ, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि मेरी आंसर राइटिंग मतलब स्किल्स ठीक हैं, तो मैंने इस चीज़ में थोड़ी स्लो रीडर हूँ तो मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं कैसे कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ इतने से टाइम स्पैन में। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, तो आप पहले अपने आप को जानिए कि क्या आपकी वीक पॉइंट्स हैं, तो आपको उन पे ज़्यादा काम करना है रादर देन कि आपका दोस्त आंसर राइटिंग कर रहा है, आपका दोस्त एविडेंस पढ़ रहा है, CPC पढ़ रहा है तो हम भी वही पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट आपको वीक
लगता है, क्या सब्जेक्ट आपको आपका स्ट्रांग है, तो आप ये सब चीज़ें जानिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करिए, क्योंकि एंड एक ही है लेकिन सबके पाथ अलग अलग होंगे और वो पाथ आपको अपना खुद डिसाइड करना है और खुद चलना है। कोई आपको सेट ऑफ रूल्स नहीं बता सकता कि हाँ ये है, आप ये फॉलो कर लीजिए। एंड फॉर थर्ड स्टेज हमारा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू मैंने दिया जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं डिस्कशंस करती थी विद माय फ्रेंड्स, फेलो एस्पिरेंट्स, जो हमारे लीगल टॉपिक्स हैं, हमारे करंट सिनेरियोज हैं, तो मैं उनसे डिस्कस करती थी, वो अपना ओपिनियन बताते थे, मैं अपना बताती थी, तो एक मेरी स्पीकिंग स्किल्स पे भी वर्क हो रहा था एंड साथ साथ मुझे एक ओपिनियन भी पता चल रहा था लोगों का और अपना भी कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ मेरे पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं। तो आप ये ज़रूर करिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन ये आता है, लोग पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो मेरा अप्रोच ये था कि मैं प्रतियोगिता दर्पण रेफर करती थी, उसको पढ़ती थी, मंथली मैगजीन आती है, अपार्ट फ्रॉम दिस जीके टुडे की फाइल्स आती हैं, मैं उनको रेफर करती थी, और एक कुछ ऐप्स मैंने फ़ोन में डाउनलोड किए हुए थे जिनमें डेली बेसिस पे 7 to 8 न्यूज़ आती थी एंड वो क्विज़ कराते थे, तो सोने से पहले मैं वो क्विज़ करके सो जाती थी। तो उतना मुझे लगता है इनफ था मेरे लिए फॉर करंट अफेयर्स। एंड इसके अलावा मैंने मतलब ये था कि आप रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं उससे अवेयर रहिए, तो डेली बेसिस पे तो सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स आ रहे हैं वो तो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता था, तो मैंने एक अप्रोच ये अपनाई थी कि जो मंथली डाइजेस्ट आता है या फिर ईयरली डाइजेस्ट आता है, तो एग्ज़ाम के पहले मैंने उसको रेफ़र करा, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स थे, आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उन पर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, मैंने उनको रेफ़र करा, उनको पढ़ा, जो काफ़ी मेरे को हेल्पफुल हुए एग्ज़ाम में। एंड इसके अलावा एक आंसर राइटिंग पे मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, लोग पूछते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करें, तो सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आप डिसइंटीग्रेशन करें उस क्वेश्चन का, कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या, आप उसको तोड़िए क्वेश्चन को। प्रिलिमिनरी के लिए है ये चीज़ कि कई क्वेश्चन है आपको नहीं आंसर पता है, बट आपको एक लीगल इंटेंट पता है कि हाँ लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन के साथ इस क्वेश्चन को, इस प्रोविजन को फ्रेम किया होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पता होगा तो आप अपने आंसर सही कर पाएंगे। तो सेम मेंस में भी अप्लाई होती है चीज़, आप पहले ऑब्जेक्ट जानिए, डिसइंटीग्रेशन करिए उस क्वेश्चन का और ये देखिए वो कितने मार्क्स का है, उसके हिसाब से आप अपनी एक फ्रेमिंग करिए कि हाँ मुझे ये लिखना है, तो आप एक पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके बाद उस आप प्रोविजन को लिखिए, अगर आपको नहीं रिमेंबर है तो कोई बात नहीं, आप फिर उसके इंग्रीडियंट्स लिखिए, इंग्रीडियंट्स लिख देंगे तो वो सारी चीज़ उसमें कवर हो जाएगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल एविडेंस है तो आप उसमें एविडेंशियरी वैल्यू ज़रूर डालिए, सीआरपीसी 313 का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें भी एविडेंशियरी वैल्यू होती है कि अक्यूज्ड से जो हम एग्जामिनेशन किया जाता है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो इस तरीके से आप जो एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको डालिए और एक कॉन्क्लूजन दीजिए, दैट वुड बी इनफ। इसके अलावा आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो फैक्ट वैसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप पहले से प्रैक्टिस करिए, तो आप एक दो क्वेश्चन लिख के जाइए कि उसमें आप हाँ कि आपने फैक्ट्स दे दिया फिर क्या इशू रहे, मतलब एक आप जजमेंट राइटिंग जैसे करते हैं ना वैसे ही उसका एक ये उसी की तरह उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि एक आप फैक्ट्स दे दीजिए, उसके ब्रीफ फैक्ट्स क्या है, इसके फिर लिखिए आपकी इशू क्या रेज हुए हैं, उसके बाद मेरा डिसीजन क्या है, लीगल प्रोविजन क्या है एंड रीज़न फॉर द डिसीजन क्या है। एंड थोड़ा सा मैं इंटरव्यू के लिए बताना चाहूँगी कि जब हम वहाँ पे इंटरव्यू देने गए तो सबसे पहले एक हमारा छोटा सा ओरिएंटेशन किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दें, क्योंकि यहाँ पे आपसे 3 लोगों का पैनल था हमारे, तो वो 10 क्वेश्चंस पर पर्सन पूछते हैं, तो वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करें, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि मेजॉरिटी लोग 20 to 22 क्वेश्चंस का ही आंसर करते हैं, तो वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं वहाँ पे आप कि आप नर्वस होके ऐसा तो नहीं है प्रेशर में आके आप इजी क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए ये लोग पूछते हैं कि सारे आंसर्स करना ज़रूरी है कि नहीं है, नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे आपकी उनको पता है कि आपने मेंस दे दिया है, आपको नॉलेज है, अब वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी है कि नहीं, आप प्रेशर में आके डर तो नहीं रहे, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको जाना है जब आपको कॉल किया जाए इंटरव्यू के लिए तो आपको थोड़ा 5 मिनट लेना है, अपने आप को समझाना है कि हाँ डरना नहीं है, येस आई कैन डू दिस, तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा और उसमें आपको इस चीज़ का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सारे आंसर किए या नहीं किए, क्योंकि फिर भी अगर आपने जितने आंसर किए वो कॉन्फिडेंस के साथ किए तो आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलेंगे। के अलावा मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि जब मैंने ये सपना देखा था कि मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो सबने ये बोला, मतलब मेरे पेरेंट्स का भी था कि बेटा इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, हम कैसे आपका सपना पूरा कराएंगे, बट मुझे ये था कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं अपने पार्ट पे मेहनत कर लूँगी, आप लोग बस मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं यही बोलूँगी जब सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तो कुछ भी ईजी नहीं रह जाता, आपको सिर्फ हार्डवर्किंग होना है, अपना डेडिकेशन दिखाना है,
और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. और आप कुछ भी करिए, ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है कि आप पूरे दिन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करें, आप इन्जॉयमेंट करिए. जैसे कि मेरा है कि मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ, तो बेस्ट टाइप की भी मूवीज़ देखती हूँ. 12 एंग्री मैन हो गया, द नाइट ऑफ हो गया, टोक्यो ट्रायल हो गया, इस टाइप की मूवीज़ देखिए आप. नॉवेल्स पढ़िए. मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, बट अभी रीसेंट टाइम में मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, लिटरेचर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने रूस होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, द रिपब्लिक होगी, प्लाटो की, इनको मंगाया. डेली मैं 2 पेजेस पढ़ती हूँ, तो एक आपका होराइजन एक्सपेंड होगा. क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि आपको बनना है, तो आप बनेंगे, आप एक दिन बनेंगे. तो आपकी वो पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको वो नॉलेज होनी चाहिए. और जब आपके पास नॉलेज होती है चीज़ों की, तो वो उस नॉलेज से जितना कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी और चीज़ से नहीं आता है. तो आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करिए. ये नहीं कि आप बस पूरे दिन रात पढ़ते हैं, आप इन्जॉयमेंट भी कीजिए, आप घूमने भी जाइए, बट हर टाइम आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती रहनी चाहिए कि हम यहाँ पे हैं या हम तैयारी कर रहे हैं, हम कहीं भी हैं, तो अभी हमारा क्या पर्पज़ है लाइफ में. अपने एम को आप अपने दिमाग में रखिए, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. Always believe that yes, I can do this. Thank you.